मैं डॉक्टर वसीम चौधरी, होम्योपैथी कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी मोर देन 10 ईयर्स। इस वीडियो में हम हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में बात करेंगे। हाइपरथायरॉइडिज्म क्या है, कैसे होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन से इन्वेस्टिगेशन से हाइपरथायरॉइडिज्म डिटेक्ट होता है और एट द एंड कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टिव है हाइपरथायरॉइडिज्म को ठीक करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहेगा। हाइपरथायरॉइडिज्म को समझने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम थायराइड के बारे में, ग्लैंड के बारे में जानते हैं। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो हमारे नेक में मौजूद होता है। ये T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 थायरोक्सिन, ये दो हार्मोन रिलीज करता है। T3 T4 रिलीज थायराइड ग्लैंड से होता है, पर इसका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के पास रहता है। और ये TSH हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है कि वो T3 T4 सिक्रीट करे। पर किसी रीज़न की वजह से अगर T3 T4 प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होता है, कम सिक्रीट होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन एक्सेस सिक्रीट करने की कोशिश करता है, जिससे T3 T4 सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाए। इसी कंडीशन को हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं, जब T3 T4 सिक्रीशन कम हो जाए या फिर नॉर्मल रहे और TSH सिक्रीशन बढ़ जाए, इसे हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। सिमिलरली, जब T3 T4 सिक्रीशन एक्सेस हो जाता है और TSH सिक्रीशन कम हो जाता है, इसे हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में ही बात करेंगे और हाइपरथायरॉइडिज्म के क्या क्या इफेक्ट बॉडी पे होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे। हाइपरथायरॉइडिज्म सभी एज में होता है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों को होता है। हाइपरथायरॉइडिज्म मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होता है, पर ऐसे पाया गया है कि यह फीमेल्स में ज़्यादातर देखा गया है। अब हम बात करते हैं क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं हाइपरथायरॉइडिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। सबसे कॉमन सिम्टम होता है वेट बढ़ना। विदाउट रीजन जब वेट बढ़ने लगता है, खाने का इंटेक कम होता है पर फिर भी वेट बढ़ता है, तब ब्लड टेस्ट करने पे पता चलता है कि हाइपरथायरॉइडिज्म है या फिर TSH लेवल बढ़ गया है। स्किन ड्राई होना, स्किन रफ होना, वो भी एक सिम्टम है। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, मेंसेस इरेगुलर हो जाना, इन मैरिड वुमेन प्रेगनेंसी ना रहना, निसंतान रहना, या फिर मिसकैरेज हो जाना, एबॉर्शन हो जाना, ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स है हाइपरथायरॉइडिज्म के। हेयर फॉल हो जाना, हेयर काफ़ी ड्राई रफ हो जाना, बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, हाथों पैरों में काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, ये हाइपरथायरॉइडिज्म को डिटेक्ट करता है। मूड स्विंग्स ज़्यादा होना, कुछ मिनट्स पहले मूड अच्छा था और तुरंत मूड चेंज हो जाना, डिप्रेशन में रहना, नेगेटिव थॉट्स रहना, जॉइंट पेन करना, स्लीप डिस्टर्ब रहना, टायर्डनेस वीकनेस महसूस करना, बॉडी में पल्पिटेशन घबराहट महसूस करना, वीक पल्स हो जाना, हार्ट बीट कम हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे हाइपरथायरॉइडिज्म डिटेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है जिससे हाइपरथायरॉइडिज्म कन्फर्म होता है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्लड टेस्ट जिसमें T3 T4 TSH किया जाता है, इस टेस्ट से हाइपोथायरॉइडिज्म TSH लेवल बढ़ जाता है और हाइपोथायरॉइडिज्म डिटेक्ट होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टिव है थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म को ठीक करने से पहले। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर से जाके मिलें, ताकि वो आपकी टोटल हिस्ट्री लेंगे, आपका मेडिसिन जानेंगे और साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते हुए आपके कुछ रेगुलर इंटरवल्स में आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। उस बेसिस पे, आपके रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपकी मेडिसिन और डोसेज डिसाइड किया जाएगा। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी है इफेक्टिव रहती है, उसमें से फर्स्ट मेडिसिन है थायरोडिनम 30। ये आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 2 से 3 महीने लेते रहिए, आपको उसका इफेक्ट समझ आएगा। उसके साथ नेक्स्ट मेडिसिन है आयोडम मेडिसिन, ये वीकली आप 2 से 3 बार लेते रहिए, 4-4 गोलियां, ये भी एक इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके साथ कल्केरिया काब 200 मेडिसिन, ये भी थायराइड को ठीक करने के लिए इफेक्टिव है। और नेट्रोमूड 30 डेली 3 गोलियां दिन में 3 बार लेते रहिए,
ये आपके थायराइड हाइपरथायरायडिज्म को ठीक करने के लिए यूज़फुल है। दोस्तों हाइपरथायरायडिज्म ये एक हार्मोनल डिजीज़ है, उसे डिटेक्ट करने उसे ट्रीट करने के लिए आपका टोटल हिस्ट्री लेना ज़रूरी है, आपके सभी इंफॉर्मेशन से ही मेडिसिन देना ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक हो। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल होमियो केयर क्लिनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।